नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं या कोई भारी वजन उठा रहे होते हैं तो अक्सर हमारे कमर में क्रैम्प आ जाता है, कमर में झटका सा पड़ जाता है, जिसके कारण हमें बहुत ही असहनीय दर्द की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कमर में चड़का या क्रैम्प पड़ने पर हमें ना तो उठा जाता है ना ही बैठा जाता है, और हमारी इसके कारण हमारी पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम आपको कुछ सिंपल से योगाभ्यास बताएंगे। दोस्तों, जब भी आपके कमर में चस्का या क्रैम्प पड़ जाए तो सबसे पहले आपने शवासन में सीधे लेट जाते हैं और कम से कम अपने शरीर को 10 से 15 मिनट तक बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है और अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए शवासन में अपने शरीर को रिलैक्स करना है। और जब आपको कम दर्द हो या दर्द से राहत मिल जाए तो आप इन अभ्यासों को जरूर प्रैक्टिस करें। इसमें सबसे पहले अभ्यास को करने के लिए हम ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं, ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के साथ ऐसे आगे को ऐसे फैला लेते हैं, हथेलियों को ऐसे तान लेते हैं और दोनों पंजों को ऐसे करते हुए अपनी ठोड़ी को या फिर अपने माथे को जमीन पर ऐसे स्पर्श करा लेते हैं और अपना समस्त ध्यान अपने सांसों के आवागमन पर रखते हुए कम से कम ऐसे ही 2 से 5 मिनट इस अभ्यास को आपने ऐसे ही करना है। श्वास लेते रहें और श्वास छोड़ते रहें, अपने संपूर्ण शरीर को बिल्कुल शांत 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 करने की कोशिश करते हैं। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों का ऐसे स्टैंड जैसा बना लेते हैं और ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपनी हथेलियों के बीच में ऐसे रख लेते हैं और फिर मकरासन को करना है। ऐसे अपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने राइट पैर के हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश करें और 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। श्वास छोड़ते हुए नीचे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने लेफ्ट पैर के हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश करें और श्वास छोड़ते हुए नीचे ऐसे ही दोनों पैरों से इसे आप कम से कम 8 से 10 बार कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों हील को ऐसे दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने हील को ऐसे अपने हिप पर लगाने की कोशिश करें और 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और श्वास छोड़ते हुए नीचे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर 5 से 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप कम से कम 2 से 5 मिनट करें। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों का ऐसे दोनों हथेलियों को ऐसे अपने सिर के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी कोहनी के समीप ऐसे रखते हुए ऐसे आपने रिलैक्स करना है। कम से कम 30 सेकंड तक आप ऐसे ही अपने शरीर को रिलैक्स छोड़ दें। यह शिथिलीकरण का बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से हमारा संपूर्ण शरीर काम कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में आता है। और फिर ऐसे ही दूसरी साइड से करेंगे, ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे अपने सिर को ऐसे अपनी हथेली के ऊपर भी रख सकते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी कोहनी के समीप ऐसे लाते हैं। फिर सीधे ऐसे ही दोनों साइड से इसे आप 4 से 5 बार कीजिए। ऐसी अपनी दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए अपना समस्त ध्यान अपने सांसों के आवागमन पर रखते हुए इस शिथिलीकरण के इन अभ्यासों को आप जरूर प्रैक्टिस करें।